नमस्कार किसान भाइयों, मैं विकास गौड़, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, कल मैंने 2021 और 2023 का कल की वीडियो में कंपेयर करके आपको बताया था, लेकिन 2021 के मुकाबले अब देखें तो आलू आज का रेट फिलहाल सही है। 2021 में रेट डाउन था, लेकिन अगर लागत के हिसाब से देखें तो लागत के हिसाब से आज का रेट कम मालूम पड़ रहा है। अब देखिए किसान भाइयों, वो मैंने कंपेयर आपके लिए एक एनालिसिस के लिए बताया था, क्योंकि मैं जब वो कुछ पर्चियां देख रहा था तो मुझे अचानक मालूम पड़ा कि मेरे पास 2021 की और 2022 की और 2020 की भी ये सब पर्चियां रखी थी। फिर 2021 में थोड़ा आलू डाउन रहा था शुरुआत से ही, तो 2021 से लेकर और 23 का मैंने जब कंपेयर किया तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, तो वही बात मैंने आपको वीडियो में बता दी थी। और कुछ बातें तो हमको जैसे पता ही है, हमने जैसे आलू की बुआई कर दी थी या खेत तैयार कर रहे थे और 18 अक्टूबर को 2021 में भयंकर बारिश पड़ी थी, जिसकी वजह से लोगों के जो आलू अक्टूबर में बोने वाले थे उनके नवंबर में जाके बुआई हुई थी, 1 नवंबर 2 नवंबर 5 नवंबर ऐसे मतलब बुआई हुई थी, तो ये काफ़ी प्रॉब्लम आई थी, तो मैंने उस वीडियो में आपको साफ साफ बताया है। अब किसान भाइयों देखिए, मैं आपके लिए ये चीज़ बता के चलूँ कि आप भी इस काम को जरूर किया करें। काफ़ी लोग क्या करते हैं, हर साल उनका आलू बिकता है लेकिन उनके पास कोई प्रूफ नहीं रहता, लेकिन एक वो अपनी सीक्रेट को चीज़ बनाएं जिसमें वो हर साल आलू उनका कितना उत्पादन हुआ था उस साल का और कितना रेट बिका था, किस महीने में क्या क्या उनको रेट मिले थे, ये पूरा उस चीज़ में मतलब रखते जाएं पर्चियों को, उनके लिए आगे चल के भविष्य में कभी भी वो उन चीज़ों को उठा के कभी भी देख सकते हैं, कभी भी उन्हें कुछ ना कुछ आइडिया ऑटोमेटिक लग जाता है। मैं भी इस चीज़ की बहुत ज़्यादा हेल्प लेता हूँ और बहुत ज़्यादा मुझे भी इससे हेल्प मिलती है। और देखिए, मैंने कल का जो कंपेयर बताया था वो भी काफ़ी ज़्यादा सटीक है, इसमें एक भी परसेंट का कोई कहीं नहीं बता सकता, क्योंकि पर्चियाँ हैं ना वो एकदम सबूत हैं, साक्षात सबूत है। तो ये कुछ बातें होती हैं, हम जब आलू की खेती कर रहे हैं हम काफ़ी ज़्यादा लागत लगाते हैं, तो हमें भी इसको थोड़ा बिजनेस के टाइप में भी लेना चाहिए। खेती को लोग खेती की तरह कर रहे हैं वो आज भी घाटे में हैं, और जो लोग खेती को थोड़ा दूसरे मॉडल से करना चाह रहे हैं वो आज भी मुनाफा में, लागत से लेके और मुनाफा तक की पूरी उन्हें जानकारी रहती है। हमारी खेती में अगर मैं ये लगाऊंगा तो इतना मुझे मुनाफा होगा लगभग, ठीक है। तो ये चीज़ आप भी करके चलिए, मैं सभी किसान भाइयों की कह रहा हूँ, जो किसान एडवांस हैं हाई लेवल के किसान हैं उनको तो ये सब उनके रजिस्टरों में लिखा हुआ है, लेकिन जो नॉर्मल किसान हैं उनके पास कुछ नहीं होता है प्रूफ। मैं अगर पूछूं उनके 2022 में क्या था तो वो नहीं बता पाते हैं, ठीक है, ये बात रियलिटी है। लगभग कुछ साल पहले जब से ये मैंने मतलब इसके बारे में जब जानकारी मैंने 2019 से जुटाना शुरू किया है, उससे पहले के आंकड़े मुझ पे भी नहीं थे, लेकिन 2019 से मैं भी लगातार हर साल की पर्चियों को रखता हूँ, ठीक है, इस बात को आप भी ध्यान में रखें। अब किसान भाई देखिए, आज के मैं आलू के भाव भी बताऊंगा, लेकिन अगर मैं आज के आलू के भाव के बारे में बात करूं तो देखिए ज़्यादातर मंडियों में फिलहाल रेट वही बना हुआ है। अब डेली ऐसा तो है नहीं है कि डेली आज भी कहीं तेजी आएगी, जब तेजी आएगी तो आपको जरूर बताया जाता है, मंद आएगा तो भी आपको बताया जाता है, लेकिन अभी फिलहाल का जो रेट है तो वो रेट एक ही चल रहे हैं, रेट में आज कोई फिलहाल तो ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन भाव हम फिर भी बता के चलेंगे। गाड़ियों के आधार पर क्या रेट है, अब देखिए ये होता है कि कल मान लो 40 गाड़ी पहुंची और आलू का रेट है 500 रुपये पैकेट, आज 50 गाड़ी पहुंची फिर भी आलू का रेट 500 है, तो ये तो हमें बताना ही पड़ेगा, क्योंकि गाड़ी ज़्यादा पहुंचने पे भी रेट वही है, तो अपने आप में ये बहुत अच्छी चीज़ है। मतलब ये है कि उस आलू की खपत तो है कहीं ना कहीं अच्छी आलू की, क्योंकि गाड़ी ज़्यादा पहुंच रही है, रेट डाउन होना चाहिए लेकिन फिर भी डाउन नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट में डिमांड तो है, लेकिन इसकी डिमांड या खपत कम क्यों बताई जा रही है, इसके बारे में अभी आपके लिए क्लियर करने वाला हूँ, जो मेरा मानना है, ठीक है। अभी मैं जो आपको बताने वाला हूँ उसको बहुत ज़्यादा समझने की कोशिश करना। इस समय कोल्ड में जब आप देखोगे ज़्यादातर हाईवेड आलू बिक रहा है, अब हाईवेड आलू में खाने में तो टेस्ट ज़्यादा होता नहीं है, वो मार्केट में जा रहा है और मार्केट में उसके हिसाब से तो कम डिमांड है ही है। अब देखिए, इसका एक उदाहरण के तौर पर मैं बताऊं, अगर आपके घर में आलू की सब्जी बन रही है, अगर आलू की सब्जी टेस्ट है तो आप उसे ज़्यादा खाओगे, ठीक है, अगर आलू की सब्जी टेस्ट नहीं है तो भी खाओगे, लेकिन उतना खाओगे जितना आपके शरीर के हिसाब से भूख के हिसाब से खाओगे। लेकिन कभी कभी ये होता है, कोई भी चीज़ में टेस्ट होता है तो हम भूख से भी ज़्यादा खा सकते हैं उस चीज़ को, मतलब टेस्ट में, और यही यहाँ पे ये हाल है। ज़्यादातर जब मार्केट में हाईब्रिड ही आलू बिक रहा है तो पीछे लोगों को ज़्यादा पसंद नहीं आ रहा है, तो वो आलू को कम खरीद रहे हैं या कम खा रहे हैं, ऐसा आप मान सकते हो। अगर बढ़िया क्वालिटी 37-97 हाई और ये तुम्हारा चिप्स होना सूर्य, ये अगर ज़्यादा मंडियों में पहुँचेंगे, ज़्यादा बिकेंगे, तो इनका थोड़ा खाने का टेस्ट भी लोगों के पास पहुँचेगा, उनको लगेगा कि आलू अच्छा है तो वो थोड़ा और डिमांड करेंगे, ये भी एक फ़र्क पड़ता है, ठीक है, और वो भी लोग हाईब्रिड खाते खाते परेशान हो गए होंगे। देखिए, ये सब बातें थोड़ी समझने वाली है, इसमें वैसे बातों में है कुछ नहीं है, लेकिन किसान भाइयों कल जो मैंने आपको बताया था 2021 में आलू है वो 2023 के मुकाबले सस्ता बिक रहा था, तो इसका मतलब ये नहीं है कि नहीं पीछे जाके बहुत महंगा महंगाई आनी है या मंदा आना है, वो सब भविष्य वाली बात है, भविष्य के बारे में बात ही नहीं करता हूँ, पहली बात तो ये है। अब देखिए, काफ़ी लोग तो ये भी कह रहे हैं कि इस बार तो बहुत सूखा बताई है मौसम वैज्ञानिक ने, तो मैं आपको बता दूँ, मौसम विभाग अगर सूखा बता रहे हैं तो भाई ये बिल्कुल भविष्य नहीं हो सकता कि बिल्कुल सूखा ही पड़ेगी, ये कोई भविष्य नहीं है, ये सब तुक्का वाली बात है,
ये इतने मतलब दिनों का पहले ही बता देना, ये सब तुक्के वाली बात होती है। मैं तो ये कह रहा हूँ जब मानसून आता है तो मौसम रिपोर्टिंग है ना वो भी फेल हो जाती है, ठीक है, जब मानसून आता है तो। अब ज़्यादातर बहुत लोगों को नहीं पता था कि सितंबर में बहुत भयंकर बारिश पड़ेगी जिससे धान लोगों के डूब जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, बहुत बड़ी दिक्कत आएगी। पिछली बार 2022 में हुआ था, नहीं हुआ था, ठीक है, काफ़ी लोगों की तो बुआई लेट हो गई थी आलू की, 25, 18, 20 नवंबर को लोगों ने आलू की बुआई की थी। तो ये क्या है किसान भाइयों, देखिए ये मौसम ऊपर वालों के हाथ में है और ऊपर वाले से अभी कोई आगे नहीं है, सब पीछे ही है। तो इस बारे में आप चिंता ना करें कि आगे सूखा होगी या बारिश पड़ेंगे क्या होगा। आलू के लिए भी एक हवा चाहिए, बारिश चाहिए और थोड़ा मौसम ठंडा चाहिए, डिमांड चाहिए। अब देखिए आलू की आज की डेट में बहुत भयंकर डिमांड अगर आती है आने वाले टाइम में, अगर उस समय भी किसान आलू नहीं बेचते तो आलू में तेजी आएगी, अगर उस समय किसान भाई ज़्यादा आलू बेचते हैं तो आलू का रेट वही रहेगा। सीधी सी बात यही है, सीधा फंडा है, इसमें कोई समझने वाली बात नहीं है, ना कोई इसमें लॉजिक है, सीधी बात तो ये है। किसान भाइयों आज के अगर आलू के भाव के बारे में बात करें तो मुंबई मंडी में आज 45 गाड़ी है, जो कि यूपी का बिका है 10 से लेके 12.5 और BIPA है तो 13 रुपये किलो बिका है। और किसान भाइयों इंदौर की बात करें, इंदौर का बिका है 13 से 15 रुपये किलो, गुजरात का बिका है 8 से लेके 10 रुपये किलो। यहाँ पे अगर किसान भाइयों नासिक मंडी की बात करें, नासिक मंडी में आज 20-22 गाड़ी है जो कि 10 से लेके 13 रुपये किलो यहाँ बिका है। पुणे मंडी की बात करें, पुणे मंडी में यूपी का बिका है 10 से लेकर 13 रुपये किलो, और यहाँ पे किसान भाइयों इंदौर का बिका है बढ़िया वेफर पास मोटा 17 से लेकर 20 रुपये किलो चिप्स वाला। और अगर थोड़ी सी अगर BIPA एक्स्ट्रा क्वालिटी का आलू पहुँच जाता तो एक दो लॉट बिक जाता 50 पैसे ऊपर, ठीक है। और अब किसान भाइयों यहाँ बात करते हैं थोड़ी जयपुर मंडी की, जयपुर मंडी में किसान भाइयों लगभग 8 से लेकर 10 रुपये किलो आलू बिका है, बढ़िया क्वालिटी है तो 11 रुपये किलो बिका है। अलवर में 8 से लेकर 10.5 रुपये किलो बिका है। और किसान भाइयों यहाँ पे अगर घाटी मंडी की बात करें, आगरा का आलू यहाँ पे बिक रहा है 10 से लेकर 16 रुपये किलो, ठीक है, बहुत अच्छी क्वालिटी का आलू 16 रुपये किलो तक बिक रहा है यहाँ पे। और फरुखाबाद का जो आलू पहुँचा है एक दो गाड़ी कोल्ड का, वो बिक रहा है 14 से लेकर 15 रुपये किलो। और बंगाल का जो आलू पहुँच रहा है वो पहुँचा है 11 से लेकर 12 रुपये किलो, बढ़िया है तो 12.5 रुपये किलो यहाँ बिक रहा है बंगाल का। तो आखिर आगरा के आलू की जो क्वालिटी होती है वो एक नंबर होती है, ब्रांड आलू होता है आगरा का। अब उड़ीसा भुवनेश्वर की बात करें तो यहाँ पे 1250 से लेकर 1330 रुपये तक आलू के सौदे हो रहे हैं लगभग कुंटल के, और लगभग 13-14 गाड़ी पहुंची है आज भुवनेश्वर मंडी में। और किसान भाइयों बात करते हैं चेन्नई मंडी की और बेंगलोर मंडी की, तो देखिए चेन्नई और बेंगलोर मंडी में यहाँ पे कोलार का लोकल आलू थोड़ा बहुत पहुंच रहा है, जो कि नाम मात्र के लिए पहुंच रहा है आप ये मान सकते हो, लेकिन उस आलू का इतना हाई रेट है कि आगरा के आलू पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है, लोकल आलू से, क्योंकि उसका रेट 1100 रुपये पैकेट तक बिक रहा है और आगरा का आलू 800-850 रुपये पैकेट तक बिक रहा है, तो इससे ऊपर बढ़ने की गुंजाइश है, नीचे की भी ऐसी है नहीं है जब तक यहाँ पे हसन का आलू नहीं आता है। अब चेन्नई मंडी की बात करें तो चेन्नई मंडी में आज यूपी का आलू बिका है 14 से लेकर 16 रुपये किलो, BIPA तो 17 बिका है, और ज़्यादा एक्स्ट्रा BIPA तो 17.5 तक भी बिका है, रेट वही है, ना तो तेजी ना मंदा है, ठीक है, वही रेट बना हुआ है। और कोलार की बात करें, कोलार का जो 6 गाड़ी पहुँच रहा है वो बिका 650 से लेकर 900 रुपये पैकेट 40 किलो की तोल में। और बेंगलोर मंडी की बात करें, बेंगलोर में यूपी की 21-22 गाड़ी है 700 से लेकर 850 रुपये के आज के भाव हैं, लगभग यहाँ पे गाड़ी ज़्यादा भी पहुँचे या कम भी पहुँचे रेट में गिरावट नहीं है, रेट वही बना हुआ है, या अगर गाड़ी कम पहुँचती है तो बढ़ जाता है, ठीक है, गिरावट नहीं है। इंदौर की बात करें, इंदौर की 4 गाड़ी जो पहुंची 1000 से लेकर 1150 रुपये पैकेट यहाँ बिका है चिप्स वाला, जो बढ़िया क्वालिटी का वेफर पास है। कोलार की बात करें, कोलार के 1000 पैकेट लगभग पहुंचे हैं बेंगलोर में 900 से लेकर 1100 रुपये। अब बताइए कोलार का 1100 रुपये पैकेट बिक रहा है तो आगरा के आलू की यहाँ से गिरने की उम्मीद नहीं है थोड़ी, क्योंकि हसन जितना लेट होगा आगरा के आलू को उतना ही तेजी मिलेगी, सीधी बात यही है। विशाखापट्टनम की बात करें आंध्र प्रदेश की, वो बंगाल का बिक रहा है 700 से लेकर 750 रुपये पैकेट 50 किलो की तौल में, और आगरा का बिका 800 रुपये पैकेट 50 किलो की तौल में। तो किसान भाइयों ये हैं आज के आलू के भाव, और नीचे आप कमेंट बताना आपके जो कोल्ड में अभी आलू बिक रहा है वो क्या रेट बिक रहा है, क्योंकि कोल्ड से भी मालूम पड़े, मुझे ऐसा मालूम पड़ रहा है काफ़ी किसान भाइयों के यहाँ पे मंडियों से काफ़ी डाउन आलू बिक रहा है, मंडियों में तेजी आए या मंदा है, लेकिन उनके कोल्ड में, अगर मंडियों में मंदा आता है तो मंदा हो जाता है, लेकिन तेजी आती है तो तेज नहीं होता उनके कोल्ड में, ये प्रॉब्लम देखी जा रही है हमारे किसान भाइयों के यहाँ पे। मुझे काफ़ी किसान भाई इस बारे में कॉल भी कर रहे हैं, ठीक है, कि गौर साहब हमारे यहाँ तो कुछ मालूम ही नहीं पड़ रहा तेजी हो रही है मंदा हो रहा है, तो इस वजह से सभी लोग कमेंट करें और बताएं उनके यहाँ पे अभी क्या रेट कोल्ड में चल रहे हैं, और सभी वैरायटी के बारे में बताएं जो जो उनके पास वैरायटी है। तो किसान भाइयों वीडियो देखने धन्यवाद, मैं विकास गौड़, नमस्कार।